रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां रीता शांडिल्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी हैं। बता दें कि पूर्व आईएएस अफसर हैं रीता शांडिल्य, कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व भी संभालेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक डॉक्टर प्रवीण वर्मा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कार्यभार संभाल रहे थे। डॉक्टर वर्मा की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में सदस्य के रूप में की गई थी और अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रीता शांडिल्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है रीता शांडिल्य। बता दें कि इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पूर्व आईएएस अफसर हैं रीता शांडिल्य, जिनको सदस्य बनाया गया। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व भी संभालेंगी रीता शांडिल्य। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है। बता दें कि अब तक प्रवीण वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष कार्यभार संभाल रहे थे और प्रवीण वर्मा की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में सदस्य के रूप में हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशीष जी, रीता शांडिल्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से या सदस्य की नियुक्ति को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से भी पीएससी को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पिछली सरकार में जिस तरीके से घोटाले हुए थे, उस घोटाले को लेकर मौजूदा सरकार सीबीआई की जांच करवा रही है। क्योंकि तमाम नियुक्ति अध्यक्ष समेत जो दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग में होती है, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान की गई नियुक्ति थी। इसके अलावा अध्यक्ष के इस्तीफे देने के बाद डॉक्टर प्रवीण वर्मा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पीएससी की कमान संभाल रहे थे। क्योंकि बीजेपी संगठन और सरकार के भीतर लगातार नियुक्ति को लेकर रायशुमारी चलती रही, लंबी रायशुमारी के बाद ये तय हुआ है कि रीता शांडिल्य को पीएससी का सदस्य बना दिया जाए। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें सदस्य बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है और चूंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति इस वक्त नहीं की गई है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा भी बतौर सदस्य ही पीएससी में काम कर रहे थे, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनसे ये जिम्मेदारी लेकर रीता शांडिल्य को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एक बड़ा फैसला सरकार ने आज लिया है। ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए।